काय नाव आहे तुझं? बिलाल. हा बिलाल. बिलाल, इथे कशासाठी आहे तू? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल. तो गाइस, सुबह सुबह मैं यशवंतराव चौहान गार्डन में आया हूँ, जो कि 4D गार्डन के नाम से जाना जाता है. यहाँ पे 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड एक ही गार्डन में है, वो भी 4D में है. मतलब कुछ मेटल यूज करके और प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करके उनको बनाया गया है यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए. तो आज उसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ. ज़्यादा बड़ा गार्डन नहीं है, बट यहाँ से जाते जाते मैंने सोचा कि इस पर एक ब्लॉग बनाना चाहिए. तो गार्डन में यहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ पे कुछ बच्चों को फोटो वगैरह निकालने के लिए है. यहाँ पे है बेंटेन वगैरह और वहाँ पे सुपरमैन. गार्डन है, बट उसे 4D गार्डन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दादा साहेब फाल्के का 4D शो होता है. इसी वजह से इस गार्डन को 4D गार्डन भी कहा जाता है. तो अभी बारी है इस गार्डन के 7 वंडर देखने की, जो कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है और यहाँ पे सभी के 4D स्ट्रक्चर है. तो फर्स्ट में देखेंगे ताजमहल. सेकेंड है ग्रेट पिरामिड. थर्ड नंबर का वंडर देखने वाले हैं कोलोसियम. फोर्थ नंबर पे देखने वाले हैं पीसा का मनोरा. पीसा का मनोरा जो कि थोड़ा सा टिल्ड है, और एक्चुअली यहाँ पे भी थोड़ा सा टिल्ड है. मुझे पता नहीं था पहले, मुझे लगा ये इतना बड़ा तो किया वगैरह ऐसा टिल्ड क्यों है झुका वाला. तो अभी मुझे पता चला कि यहाँ पढ़ने के बाद एक्चुअली में ये थोड़ा टेढ़ा ही है. और आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऊंचा है बट थोड़ा सा झुका वाला है उस साइड. जैसे कि अब यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा है. इधर नंबर पे देखने वाले हैं स्टोन हेज, जो कि ये है. तो गाइस, 6 नंबर का वंडर है आईफेल टावर, जो कि मेरे अभी पीछे है. वीडियो शूट कर रहा था, मगर मुझे थंबनेल के लिए इन लोगों ने काफी सारी मदद की. क्या नाम है तुम्हारा? मृदुला. काफी हार्ड नाम है तेरा. सृष्टि. साक्षत. इन तीनों ने काफी मदद की मुझे थंबनेल शूट करने के लिए. एक्चुअली इसे पेड़ पे चढ़ना था, ये बोली थी कि मेरा वीडियो निकाल.
इस प्रकार मैंने 6 वंडर दिखाए, अभी एक वंडर बाकी है, वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि मेरे अभी आगे है। एक छोटा सा गार्डन है मगर बहुत ही प्यारा गार्डन है, जरूर आइए यहाँ पे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में 7 वंडर दिखाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, एक छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया है क्योंकि मुझे फ्रेंड ने बताया था यहाँ पे जाकर आओ एक्सप्लोर करो, तो इसलिए मैं इस गार्डन में आया। और आने के बाद मुझे पता चला कि छोटा सा गार्डन है बट बहुत ही प्यारा गार्डन है, तो समय मिले तो आ जाना। तो बस वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वन।